एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज आल्सो ए थर्मल पावर प्लांट। ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो यूज करते हैं यूरेनियम 235 इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेंट ऑपरेशनल इन 1969 विद द कैपेसिटी ऑफ 150 मेगावाट। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कंप्लीट लेआउट बना हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट के। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हम देख रहे हैं यहां पे। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। यहां पे मॉडरेटर लगा हुआ है, कंट्रोल रॉड है, हीट एक्सचेंजर है, स्टीम टरबाइन है, जनरेटर है, कंडेंसर है। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये जो पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं ये पार्ट्स थर्मल पावर प्लांट में भी सेम है। ये पार्ट जो देख रहे हैं ये डिफरेंट है। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग देखते थे कि वहां पे हम लोग कोयला यूज करते थे और कोयला को जलाने से जो हमें हीट मिलती थी उस हीट को हम लोग यूज करते थे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। वहां पे बॉयलर लगा हुआ होता था, बॉयलर के अंदर ट्यूब्स लगे होते थे, ट्यूब्स के अंदर वाटर होता था और उसको स्टीम में कन्वर्ट करते थे। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 को जलाने से जितनी एनर्जी मिलती है वो इक्विवेलेंट होता है 400 टन ऑफ कोल। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। यहां पे देख रहे हैं ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं एज ए फ्यूल की तरह काम करता है, ये है यूरेनियम 235। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है यहां पे। यहां पे हम लोग देख रहे हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर इट इज यूज टू स्लो डाउन द चेन रिएक्शन, दैट मीन्स फिजन प्रोसेस। क्या होता है कि ड्यूरिंग द फिजन प्रोसेस बहुत सारे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और उसकी स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए यहां पे हम लोग एक मॉडरेटर लगा देते हैं ताकि उसकी स्पीड को कम कर सके। यहां पे फ्यूल जो ले रहे हैं यूरेनियम 235 ले रहे हैं, ये है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड क्या करती है कि जब चेन रिएक्शन प्रोसेस होता है तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, उस न्यूट्रॉन्स को ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है कि जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है उस रिएक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, कम कर देता है। और यहां पे हम लोग यहां पे कंट्रोल रॉड लगा देते हैं ताकि चेन जो रिएक्शन हो रहे हैं उस रिएक्शन को कम कर दे। ये काम है कंट्रोल रॉड का। यहां पे हम लोग कूलेंट भी यूज करते हैं ताकि जब रिएक्शन होता है तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, उस हीट को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे कूलेंट का भी यूज करते हैं। यहां पे देख रहे हैं ये जो है ये हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर क्या करती है, हीट एक्सचेंजर हीट को एक्सचेंज करती है। ये कैसे होता है, ये ट्यूब लगे होते हैं, इस ट्यूब के अंदर वाटर होता है। अब यहां से जब रिएक्शन होती है तो बहुत सारी हीट मिलती है, इस हीट जो है यहां पे हीट एक्सचेंजर में आती है और ट्यूब के अंदर वाटर फिल किया हुआ है।
अब क्या होगा, इसके कांटेक्ट में आएगी, यहां से हीट जब आएगी तो ट्यूब के कांटेक्ट में आएगी, धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पे कि जो वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब जो स्टीम है वो यहां पे टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करेगी बहुत हाई प्रेशर के साथ, यहां नोजल से होकर के गुजरती है और उसका वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा होता है और टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करती है। जैसे ही टरबाइन के ब्लेड पे जब स्ट्राइक करती है तो टरबाइन का ब्लेड जो है घूमना स्टार्ट करेगा। जब घूमना स्टार्ट करेगा तो टरबाइन क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। टरबाइन के साथ अटैच होता है कपलिंग, कपलिंग के साथ अटैच होता है जनरेटर। इस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पे जो एग्जॉस्ट जो स्टीम होते हैं, एग्जॉस्ट स्टीम कहां पे आएगा, कंडेंसर में आएगा, क्योंकि जो एग्जॉस्ट स्टीम होगा उसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ये स्टीम है। अब यहां पे आएगा कंडेंसर में, कंडेंसर क्या करेगा, जो स्टीम है उस स्टीम को लिक्विड फेज में चेंज करेगा, उसको टेम्परेचर को कम करेगा। टेम्परेचर कैसे कम करेगा, इसके अटैच होता है कूलिंग टावर, ये कूलिंग टावर से अटैच होता है। कूलिंग टावर यहां से जो आएगी वो कोल्ड वाटर आएगी और ये जो स्टीम है उसके टेम्परेचर को ये ले लेगी। टेम्परेचर को जब लेगी तो क्या होगा, ये हॉट वाटर हो जाएगा, ये हॉट वाटर वापिस यहां पे कूलिंग टावर के ऊपर आएगी। बड़ी बड़ी कूलिंग टावर होती है, ये हायर हाइट से गिरती रहती है, एयर के जब कॉन्टेक्ट में आती है तो वो ठंडा हो जाती है, ये वापिस जब ठंडा होकर के वापिस कोल्ड वाटर आएगी और इसका स्टीम का जो टेम्परेचर है उसको ले लेगी और वापिस गर्म होने के बाद ये यहां पे चली जाएगी। अब हम लोग यहां पे क्या देखते हैं कि पहले स्टीम था, स्टीम से चेंज हो गया लिक्विड फेज में। अब लिक्विड को पंप के थ्रू हम लोग यहां पे रिटर्न करके यूज कर लेते हैं हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। जो स्टीम किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में हम लोग इसको पंप करके रिटर्न कर लेते हैं हीट एक्सचेंजर में। तो ये कंप्लीट वर्क करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।